दोस्तों आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीटीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जो 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें 70 क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए बता दिया गया है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उससे जितने भी जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उसको भी आप लोगों के लिए बताते चल रही हूँ, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता देती हूँ कि मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो लोग उसको रखकर मॉडल प्रैक्टिस सेट नए वाले मार्केट से खरीद लें और उससे ही अपना सेट प्रैक्टिस कर दे। पर डे आप एक सेट प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे आप ऑनलाइन और यूट्यूब से कर रहे हो या फिर अपने खुद से आप कर रहे हो, लेकिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट आप जरूर करें पर डे। और साथ साथ में उसमें जो दिया हुआ रहता है नहीं फैक्ट्स उसको भी जरूर पढ़ें, क्योंकि वो फैक्ट्स ही है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छा नंबर दिलवा सकते हैं। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में 70 क्वेश्चन तक आप लोग के लिए बता दिया गया था फुल्ली डिस्कशन के साथ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने डिस्कशन आप लोग को नहीं दिया है, उसके बारे में नहीं बताया है। हर एक क्वेश्चन में मैं आप लोग के लिए बताते चली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि देखिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं खुद जब बना रही थी इसको तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ये जो सेट प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, इसलिए मैंने आज आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वाकई में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। इस पूरे मॉडल प्रैक्टिस सेट में अगर आप 150 में 100 तक अभी अगर आप आपका नंबर आ जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि 67 बीपीएससी के लिए आप प्रिपेयर हैं। अगर आपको उससे कम आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में जैसा कि मैंने आपको बताया 70 क्वेश्चन तक करवा दिया गया था, अभी मैं आपको 70 के आगे का क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं 70 के आगे का क्वेश्चन। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुका है, जो मैं इसको जब ये पूरा करवा दूंगी यानी कि लगभग मैं 90 क्वेश्चन तक आज करवाऊंगी, तो करवाने के बाद मैं वो क्वेश्चन को सुधार करवा दूंगी। तो चलिए देखिए आज का जो सेशन है, सेशन में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि द विंग्स ऑफ द फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पे के आर नारायण द्वारा, आर वेंकट रमन द्वारा, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक सर्दी। आपको पता है बीपीएससी का सबसे प्यारा ऑप्शन ऑप्शन ई है, यानी कि 5 ऑप्शन के साथ बीपीएससी एग्जाम लेती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो द विंग्स ऑफ द फायर द ई एन ऑटोबायोग्राफी जो लिखा जा चुका है, देखिए 71 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग के लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सम्मिलित है। तो कौन सा युग्म सही तरह से सम्मिलित है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, और डी में देखिए यहाँ पे कथक तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। तो इसका जो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है कथकली ही बिल्कुल सही है, जो सही तरीके से सुमिलित है। अब देखिए 72 में जो फैक्ट्स है मैं बता देती हूँ आपको। कथकली केरल के संवैधानिक प्रकृति तथा वैज्ञानिक नृत्य शैली है। कथकली की पूर्ण प्रतिष्ठित के श्रेय बल्लभ ठोस नारायण मेनन के द्वारा किया गया था 1930 में केरल में कंडमन में स्थापना किया गया था। तो कथकली जो प्रमुख नर्तक है भरतनाट्यम तमिलनाडु कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए है, और कथक उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि केरल के जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। और कब इसका किया गया था, तो 1930 में फर्स्ट टाइम इसको शास्त्रीय नृत्य में डाला गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड हुए फैक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जिन्होंने 1923 में इसका शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया गया था, यहाँ कथकली केरल का। और देखिए तमिलनाडु का है जो कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश का जो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आपको मैं सही तरीके से आपको बता देती हूँ, आपको पता चल। तो देखिए इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मृणालिनी साराभाई जो थे कथकली के प्रमुख नर्तक थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, साराभाई जो थे वो प्रमुख नर्तक थे कथकली का। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उत्तर भारत में जितने भी उत्तर भारत में जो राज आते हैं उस सभी में शास्त्रीय नृत्य है, वो शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा सारा के सारा एक कथक हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक मैंने डांस पे वीडियो बना रखा है, आप लोग फोक एंड डांस का देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके डांस पे जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा फोक डांस ऑफ इंडिया का, उसका वीडियो बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर या सफेद मच्छर। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सफेद मच्छर। देखिए सफेद मच्छर जो होता है, मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, पहले इसके साथ आंसर मैंने आपको बता दिया सफेद मच्छर। अब मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ, मलेरिया देखो प्रोटीडियम नामक एक प्रोटोजोआ से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण से मादा इन्फिनिज मच्छर के काटने से होता है, और जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो जाड़े के साथ तेज बुखार होता है, तब उसे मलेरिया का लक्षण दिखता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार है और जाड़ा भी लग रहा है तो इसका मतलब उसे मलेरिया हो चुका है। अब मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है, तो इन्फिनिज मादा मच्छर के काटने से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों को मुकाबला करने के लिए किसके द्वारा संगठित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था था जिसको अंग्रेजों के मुकाबले करने के लिए किसने संगठित किया था। तो देखिए इसमें जो मंगल पांडे, बी आर सावरकर, भगत सिंह या खुदी राम बोस। 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी डी सावरकर के द्वारा ये अभिनव भारत एक गुप्त संगठन का गुप्त संगठन को संगठित किया गया था अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा देश लगभग दो दलीय यानी टू पार्टी पद्धति अपनाता है, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में दो दलीय यानी टू पार्टी पद्धति अपनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 76 में कि भारत में बॉक्साइट मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश के इटली ने स्थान लिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, भारत में बॉक्साइट जो है मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया, इटली का स्थान लिया, यानी कि भारत के जो बॉक्साइट मुख्य आयातकर्ता था पहले इटली था, लेकिन इटली का जगह पे कोई और आ गया है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यूक्रेन, यूक्रेन है जो अब इटली की जगह ले चुका है भारत से बॉक्साइट आयातकर्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे है कि CTBT एक पद है जो संबंध है किससे, CTBT एक पद है जो संबंध रखता है केंद्रीय करों से, व्यापार के अनुमोदन से, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से, नाभिकीय शस्त्र से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय षड्यंत्र है ये, शस्त्र या षड्यंत्र बोल सकते हैं, नाभिकीय शस्त्र है ये, CTBT एक जो शब्द है वो नाभिकीय शस्त्र है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बैद इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जा सकती है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है वो पैदा की जा सकती है किससे, लोहा से, तांबा से, एल्युमिनियम से, यूरेनियम से। तो जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पैदा होती है, 78 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यूरेनियम से पैदा की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं। देखिए जो साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको साइंस में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस में जो आप 9th 10th के जो रहते हैं बुक, या फिर आपके पास लूसेंट का जो है, लूसेंट को आप अच्छे तरीके से साइंस का सेक्शन पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ईजी, जो आपने पढ़ रखा है पहले से ही 9th 10th में पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो साइंस में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है बीपीएससी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के लिए एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने का से अम्ल बनता है। तो किस पदार्थ से एक और अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद देखिए और ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए सोडियम क्लोराइड के बारे में कुछ फैक्ट्स से मैं बता देती हूँ। सोडियम क्लोराइड एक साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोलिक हाइड्रोक्लोरीन अम्ल कहलाता है, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल कहलाता है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि उपग्रह जिसको सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो सैटेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए या प्रकाश के लिए। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के लिए, सैटेलाइट का जो किया जाता है वो प्रकाश के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें कि इनमें से कौन नहीं दिखता है, यानी ऐसा कौन है जो नहीं दिखता है, चंद्र, शुक्र, मंगल, राहु। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी सेल्फ प्रैक्टिस में आ चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राहु नहीं दिखता, मंगल है, मंगल ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, चंद्र तो दिखते ही है रात में, लेकिन राहु नहीं दिखता है।
विटामिन ए में उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें? आलू, गाजर, टमाटर या पालक। तो देखिए इसका जो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा गाजर में पाई जाती है, और भी ऐसे हैं जिसमें पाए जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं ऐसे जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए विटामिन ए का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी सब्जी, साग सब्जियां और मछली युक्त तेल में इसका प्रयोग होता है, जो रतौंधी संक्रमण के खतरा और बहुत सारे ऐसे जो बीमारी है उस रोग से बचने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन के राजा, देख बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जो दीवानी थी वो ब्रिटेन के जो राजा थे कितने रुपये में दे दी थी, 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 26 लाख रुपये, 100 लाख रुपये। तो 83 का जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, 26 लाख रुपया में ये जो दीवानी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ब्रिटेन के राजा के एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए जो फैक्ट्स है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो रिलेटेड फैक्ट्स है मैं बता देती हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाए गए द्वैत शासन की व्यवस्था के आधार पर कंपनी द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपए के प्रति वर्ष सम्राट तथा 52 लाख रुपए के बंगाल के नवाब के शासन के कार्यों को संचालन के लिए दिया जाना था, और शेष बचे हुए भाग को अपने पास रखना था। तो आपने देखा कि इसमें जो कितने लाख रुपए के दे दिए थे दीवानी, तो 26 लाख रुपए पे, 26 लाख रुपए पे दीवानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दे दिया गया था। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी का सेक्शन आ गया आपका, कि ग्रहवे अनुसूची के द्वारा, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से दिखे, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए मैं बड़ा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने आप लोग के लिए बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से दिखे। तो देखिए 84 नंबर है कि ग्रहवे अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो आपके पता है अनुच्छेद 7 में कहा गया समवर्ती सूची, संघ सूची, केंद्र राज सूची और समवर्ती सूची जोड़ा गया था। तो देखिए 11वीं अनुसूची के द्वारा पैंतालीस राज में जैसे ही आ जाएगा तो अभी जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी के जरिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। 11वीं अनुसूची में आपको पता है पंचायत है और 12वें में नगर पालिका है। तो देखिए इसमें जो अधिकार दिया गया था 18, 26, 29 से 27, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 29 विषयों पर अधिकार दिया गया था पंचायती राज में संस्थाओं में 11वीं अनुसूची के जरिए। आपको पता है टोटल 12 अनुसूचियां हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ 8 हुआ करते थे लेकिन अब ये 12 हो गए हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 85 में आप लोग देखिए क्या है। 85 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार का अध्याय को, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत को, संविधान की प्रस्तावना को, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो संविधान का जो आत्मा जो कहा गया है 85 में ऑप्शन डी को, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके, 32 का प्रयोग करके आप किसी भी मौलिक अधिकार को या किसी भी चीज को आप उलट पलट सकते हैं, यानी कि उसी इससे संशोधन किया जा सकता है, संशोधन का अधिकार 32 में दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान और आत्मा संविधान अनुच्छेद 32 में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आपका फिर से ये पॉलिटी का सेक्शन है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासन काल से निकाल दिया गया था। तो देखिए राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार में थे लेकिन अब मौलिक अधिकार में वो नहीं है, वो कानूनी अधिकार बन चुका है और 300 क में रखा गया है, 300 क के अंदर इसे रखा गया राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। तो देखिए इसका जो ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, ऑप्शन देखिए इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे निकाल दिया गया था, राजीव गांधी के टाइम पे,
चरण सिंह के टाइम पे और मोरारजी देसाई के टाइम पे। तो मोरारजी के देसाई की सरकार जो 1976-77 में बनी थी और इन्होंने ही, चलिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ फिर फैक्ट बता दूंगी। तो देखिए 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोरारजी देसाई के सरकार में ही राइट्स टू प्रॉपर्टी का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था और इसको 300 क में, अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। देखिए मोरारजी देसाई ही थे जो प्रॉपर्टी अंडर ब्रिटिश रूल एक के बुक लिखी थी, यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत भी मोरारजी देसाई के द्वारा ही दिया गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यही मुझे फैक्ट बताना था। देखिए अब 87 में, देखिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका है। तो कौन अध्यक्ष थे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं थे, इनमें से कोई भी नहीं थे। अब थे कौन, तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 4वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसका आचार्य जेवी कृपाणी के अध्यक्षता में हुआ था। पुनः फिर से 5वां जो अधिवेशन हुआ था 1948 में हुआ था, जयपुर में बी पिताभत्ता सीतारमैया के अध्यक्षता में की गई थी। और 15 अगस्त 1947 की जो अध्यक्षता हो रही थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी, उसमें आचार्य जेवी कृपाणी के अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया था, जिसको ध्यान रखे 14वां अधिवेशन, 54वां अधिवेशन मेरठ में, 55वां जयपुर में। उसके बाद 1947 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्षता हुई, उसके अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे आचार्य जेवी कृपाणी की अध्यक्षता में हुई थी। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये शायद एग्जामिनेशन में आ सकता है 50-50 में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बहुत सारे बनाए हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, इसलिए इसको जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं जब भी रहे तो मैंने आपको कहा था एक राउंड कर दीजिए, गोल मार दीजिए, ताकि आपको पता चले वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या की वृद्धि, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक वृद्धि, रोजगार का सृजन। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि ये भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इकाई में मूल कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? पेपर गोल्ड किसे? पेट्रो डॉलर, यूरो डॉलर, एसडीआर या फिर जीडीआर? तो देखिए 89 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एसडीआर को कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। 90 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, देखिए मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप में जारी किया जाने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। फिर देखिए उसके बाद आप लोग का इसमें देखिए, जन्म के जीवन में प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल में मापा जाता है, और साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, और जीवन स्तर के माप के क्रय शक्ति को समता के द्वारा समयोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में जीडीपी यानी पर कैपिटल पीपीई के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सुमलित कौन सा नहीं, तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 में कि विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे WTO की त्रिमंत्री स्तरीय अगली बैठक 2006 में होगी। तो देखिए अगली बैठक जो 2006 में होगी, देखिए पहले का ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसको डाल दिया गया है। तो देखिए 2006 में होगी कहाँ, कनाडा, जापान, हांगकांग या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग। अब आप मुझे बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अभी वर्तमान में मुख्यालय ये इसका कहाँ है? अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 92 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे भारत में कर प्रयास यानी टैक्स इफोर्ट वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कर के लिए भुगतान के लिए रूप में मापा जाता है, तो कितने में? देखिए 8% में, 16% में, 12% में या 32% में? तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ ए, 8% के रूप में टैक्स इफोर्ट माना जाता है, यानी कि भारत का कर प्रयास जो सकल घरेलू उत्पाद के कर के अनुपात माना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एक उच्च को बोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन डी, ऊष्मा के हानि के कम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 में किराज कोषीय घाटा यानी फाइनेंशियल डिफिशिट एक नई परिभाषा को सुझाव दिया गया है। राजकोषीय घाटा को जो परिभाषा से सुझाव दिया गया है किसके द्वारा? चेल्य समिति के द्वारा, चक्रवर्ती समिति के द्वारा, राखी समिति के द्वारा, रंगराजन समिति के द्वारा। देखिए जैसे कि उसमें था आप लोग के लिए कि देखिए जिस तरीके से पंचायती राज बलवंत मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था उसी तरीके से राजकोषीय ढांचा को प्रभावित करने का सुझाव को किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चैल्य समिति के द्वारा राजकोषीय घाटा का सुझाव दिया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सरकार के कुल ऋण भार जिसके अंतर्गत बाजार में ऋण, लघु बचत व प्रोविडेंट फंड, बाह्य ऋण तथा बजटीय घाटे को शामिल किया गया है ये राजकोषीय घाटा के अंदर। तो एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजकोषीय घाटा सरकार के कुल, लिख लीजिएगा आप लोग, कुल ऋण भार जिसके अंतर्गत बाजार में लघु ऋण, लघु बचत, प्रोविडेंट फंड और बाह्य ऋण के तहत बजटीय घाटे में शामिल किया गया है। यानी कि फंड के द्वारा जो बाह्य ऋण होता है उसके द्वारा लघु बचत होता है उसके द्वारा बजटीय घाटे में शामिल किया गया है। राजकोषीय घाटा का जो सुझाव है चैल्य समिति के द्वारा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 95 की। वर्तमान में बीमा का निर्णायक कंट्रोलर है तो कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो बीमा का निर्णायक कंट्रोलर कौन है? तो वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष, IRDA के अध्यक्ष। तो देखिए 95 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, IRDA। देखिए IRDA ही है जो वो बीमा के विनियामक यानी कंट्रोलर के रूप में काम कर रहा है, इसी इसी के अंतर्गत होता है और इसके जो स्थापना हुई थी 1999 में किया गया था। शायद ये सही है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए 96 में नरसिम्हा कमेटी के वैधानिक तरलता अनुपात SLR किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया गया था? देखिए SLR जो होता है बैंक के द्वारा होता है, तो नरसिम्हा कमेटी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हा कमेटी की वैधानिक तरलता का अनुपात में SLR की किस सीमा से घटाकर लाने का सुझाव दिया? 10% दिया था, 20%, 12% या 25%? 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25% घटाने का अनुमान दिया गया था। नरसिम्हा कमेटी किस टाइम आया था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं ना ये कितना ज्यादा हार्ड है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप खुद देख रहे होंगे, अगर आप देखे होंगे अच्छे से वीडियो तो आपको खुद पता चल गया होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो से मॉडल सेट प्रैक्टिस था मुझे बहुत ही हार्ड लगा, मैंने इस पूरे बुक को, पूरा बुक मैंने बनाया है, लेकिन 2 से 3 ऐसे मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं जो काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन उसमें डाले हुए। अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन में अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए तो किसी का भी लगता है 100 से पार नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें पूछे गए। आप खुद देख रहे हैं कितना ज्यादा 20 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें। तो चलिए इसी के साथ 97 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना ये हार्ड है या फिर नॉर्मल है। भारत ने वर्ष 2012 से 2013 के भुगतान में संतुलन चालू खाता के धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया है, इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जाएगा? तो किसके लिए माना जाएगा? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमिटेंस के सुदृढ़ प्रभाव से जाना जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था 90, लेकिन आज मैं 100 तक ही आप लोग को करवा दूंगी, ताकि 100 के बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर करवाऊंगी। 98 में देखिए स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो देखिए कार में कौन सा तेल लगता है? मिट्टी का तेल, वनस्पति का तेल, अल्कोहल या पेट्रोल? तो जाहिर सी बात है आप सबको पता है गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा। डीजल का निष्करण होता है पौधे से, हवा से, पेड़ से या जमीन से? तो इसे पूछा जाए कि डीजल कहाँ से मिलता है, तो डीजल का निष्करण कहाँ से होता है? तो आप सबको पता है जमीन से मिलती है, पेड़ से नहीं मिलती, पौधा से नहीं मिलती, हवा से नहीं मिलती, बल्कि जमीन से मिलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जमीन पर बांध जिसको डैम का उपयोग किया जाता है, तो देखिए डैम के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? कृषि के लिए, जमीन को ढकने के लिए, सड़क बनाने के लिए या ठंडा करने के लिए? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 का वो हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन ए, कृषि के लिए। डैम का जब प्रयोग किया जाता है पानी को रोकने के लिए, यानी दोनों तरफ से एक तरह से आप दीवार खड़ी कर दी जाती है और बीच में पानी रोक दिया जाता है, पानी का जब बहाव रोक दिया जाता है तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा। और डैम का प्रयोग करने का मुख्य कारण यही है कि जब कृषि के टाइम पे पानी नहीं मिल पाएगा, वर्षा नहीं होगी, तो उसी पानी को उपयोग किया जाएगा। और देखिए ये कोसी नदी पर हनुमान नगर डैम बना हुआ है, बिहार स्पेशल में मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, हनुमान नगर पर, सॉरी कोसी नदी पर हनुमान नगर डैम बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो जो बांध बनाया जाता है वो कृषि के लिए बनाया जाता है, यानी कि डैम जो बनाया जाता है कृषि के उपयोग के लिए बनाया जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था उसको, तो मैं आपको बता देती हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है। तो वो क्वेश्चन है, आप लोग सुधार लीजिएगा, 60वां नंबर क्वेश्चन है। 60वां नंबर क्वेश्चन में मैंने जो 14 बनाया है ये गलत है, इसमें 14 होगा नहीं, बल्कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई। यानी से पूछा गया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार कितने क्रम के थे, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11वां, 11वां नंबर के थे। इसको मैंने पहले ही टेलीग्राम, यानी कि वीडियो जैसे ही डालने से पहले मैंने ही आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर लिख के डाल दिया था कि आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसमें जो आंसर बताया गया है गलत है, उसमें 11वां नंबर डालिएगा। तो बस जितने सेट प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ उसमें सिर्फ यही क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हुई थी, जिसको मैंने आपको सुधार दिया, क्योंकि मुझे सुधारना आप लोग के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर जो नया स्टूडेंट है गलत डाटा अगर अपने माइंड में रख लेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे भी कोई गलत बताएगा तो मेरे लिए भी हानिकारक है, इसलिए मैंने इसको सुधार करवा दिया। 60 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको बताया अभी कि 100 तक क्वेश्चन जो बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने देखा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ पूरे सेशन को जरूर देखिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन का और लेवल, देखिए कितने हार्ड क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है आपका एकदम बीच से पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार आप लोग देख लीजिए और अपने खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा इसको, फिर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगी तो इसका पूरा मैं आप लोग के लिए करवा दूंगी। और आपको पता ही है 10 मैथ रहते हैं BPSC में, तो मैथ को छोड़कर मैं 140 यानी 40 क्वेश्चन मैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। अब लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि मैं किस बुक से आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो देखिए स्पार्क पब्लिकेशन की सेट प्रैक्टिस बुक है, CDPO के लिए मैंने लिया था इसको, इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का फुल फॉर्म है, PT एग्जामिनेशन के लिए लिया था, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, आप इसको खरीद लीजिएगा, इस तरीके से दिखेगा इसका आपका रिव्यू किया हुआ है, इस बुक को आप लोग देख लीजिएगा, 26 सेट इसमें दिए हुए हैं, स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है और बहुत अच्छी है। मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड बुक लेकर सेट प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बुक लेकर सेट प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, नॉर्मल बुक के साथ से मैं सेट प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि मैं मुझे जो ज़्यादा स्ट्रेट ना हो मेरे दिमाग पर और मैं अच्छे तरीके से उसको और भी पढ़ाई कर सकती हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मॉडल के बुक खरीद लिए और एक बना नहीं रहे हैं, दूसरा रखा हुआ, बिल्कुल भी नहीं, आप एक जब तक फिनिश नहीं कर लीजिए दूसरा बिल्कुल भी मत लाइएगा, एक आप फिनिश कर लीजिए उसके बाद दूसरा लाइएगा फिर उसको बनाइएगा। और कोई भी हार्ड या किसी के कहने पर कोई भी बुक नहीं, जो आपको अच्छा लगे मार्केट से आप उठाइए आप उसको बनाइए। मेरे पास मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं 1 से 2 पब्लिकेशन के बुक ही फॉलो करती हूँ, जितने भी मेरे पास मेंस के लिए BPSC की जो बुक्स है KVC नैनो का मैंने ले रखा है और स्पार्क पब्लिकेशन का मैं सेट प्रैक्टिस है KVC नैनो का सेट प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप उससे करिए, लेकिन मैं आपको कहूँगी ज़्यादा बुक लेकर आप टेबल पर मत सजाइए, एक बुक ले लीजिए उसको फिनिश करिए उसके बाद फिर दूसरा बुक लेकर आप लोग सेट प्रैक्टिस करिए, लेकिन पर डे आप लोग एक सेट प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आज आपको 16 जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, आप लोग के लिए पता नहीं है कि नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, मुझे इसमें मैं आपको बता देती हूँ सही से मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर आए थे, 75 नंबर्स आए थे। आप लोग इसको बनाइएगा, आज जो मैंने बताया उसमें बताया गया कि आप लोग का कितना सही हो चुका है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम मेरा कितने नंबर का क्वेश्चन सही हो चुका है, कितना आ चुका है मुझे। तो चलिए आज के लिए 60वां जो मॉडल प्रैक्टिस सेट था यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज के लिए बस इतना ही, 100 क्वेश्चन तक मैंने रखा है, 100 के बाद 140 तक मैं आपको अगले वीडियो में जो आने वाला रहेगा उसमें मैं बता दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए फैक्ट्स और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।